वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो होने वाली है मीशो वेडिंग सारी हॉल। सो जैसा कि वेडिंग सीजन चल रही है एंड अभी एक दो महीने और भी वेडिंग सीजन चलेगी, सो उसको ध्यान में रखे मैंने कुछ साड़ियाँ मंगवाई है जो कि वेडिंग्स के रिलेटेड बहुत ज़्यादा सही लगने वाली है। कुछ हैवी वर्क वाली होने वाली है, कुछ लाइट वेटेड साड़ियाँ भी मैंने मंगवाई है। सो इन सभी साड़ियों का बजट अंडर 800 का ही होने वाला है। सो आई होप आप लोगों को ये वाली सारी कलेक्शन देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लग रहा है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अब तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अब चलते हैं सीधा वीडियो में। तो फर्स्ट साड़ी जो मैंने मंगवाई है वो ये ब्लू कलर की बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी जो कि वेडिंग्स में बहुत ज़्यादा सही लगेगी। अगर आप वेडिंग फंक्शन अटेंड करना चाहते हो या फिर अगर आप अपनी वेडिंग के लिए भी कलेक्शन बनाना चाहते हो तो उसके लिए भी ये वाली साड़ी बहुत ज़्यादा सही लगने वाली है। सो सबसे पहले ओपन करके दिखाती हूँ कैसा है इसका पल्लू वगैरह। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस साड़ी के पल्लू से। इसके पल्लू के बॉर्डर पे आपको पूरे पे जरी का वर्क मिल जाएगा एंड साथ में बीच बीच में आपको सीक्वेंस भी मिल जाएगा एंड इसमें थ्रेड का भी वर्क किया गया। कहीं कहीं पे पिंक है, कहीं पे सिल्वर गोल्डन कलर है एंड कहीं पे ग्रीन का भी रिफ्लेक्शन है इसमें। सो ऑल ओवर साड़ी में आपको पूरे पे जरी का वर्क मिल जाएगा एंड सीक्वेंस का भी वर्क मिल जाएगा एंड सेम यही वाला बॉर्डर आपको साड़ी में तीनों साइड पे मिल जाएगा। तीनों साइड पे सेम ऐसे वाला बॉर्डर दिया गया है। बॉर्डर की क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड इसका फैब्रिक, ये जो फैब्रिक है ये सिल्क फैब्रिक है। सो सबसे पहले बात करते हैं साड़ी की फैब्रिक की। ये आपको प्योर जॉर्जेट फैब्रिक की साड़ी मिल जाएगी। जो प्योर जॉर्जेट होता है एकदम सॉफ्ट सा जॉर्जेट, वैसा वाला जॉर्जेट फैब्रिक है। इसमें मैंने ब्लू कलर मंगवाया है, इसमें और भी कोई कलर नहीं थे। जिस सेलर से मैंने मंगवाया उसमें और कोई कलर नहीं थे, हो सकता है किसी और सेलर के पास और कलर्स हो। सो साड़ी के बीचों बीच में आपको कुछ ऐसे वाला जरी का वर्क मिल जाएगा, फ्लावर प्रिंट वाला। पूरी साड़ी पे आपको ऐसे वाला जरी का वर्क मिल जाएगा। सो जहाँ तक आप साड़ी टक इन करते हो ना वहाँ पे आपको प्लेन सी साड़ी मिलेगी, फिर उसके बाद से आपको ऐसे वाला बॉर्डर मिल जाएगा। सो बॉर्डर की लेंथ भी ठीक ठाक है, बहुत छोटी नहीं है, बहुत बड़ी भी नहीं है, ओके ओके वाली बॉर्डर की लेंथ इसमें दी गई है। साड़ी की लेंथ की बात करूँ तो लेंथ इसकी बहुत अच्छी खासी है। 5-7-8 तक की लड़कियाँ ईजिली साड़ी को वेयर कर सकती है। साड़ी की लंबाई भी बहुत अच्छी खासी दी गई है। सो ये आपको पूरी साड़ी पर ऐसे वाला जरी का वर्क मिल जाएगा, छोटे छोटे फ्लावर्स बने हुए पूरी साड़ी पर आपको मिल जाएगा। जहाँ पर आप फर्स्ट ड्रेप लोगे ना साड़ी का, वहाँ पर आपको प्लेन सी साड़ी मिलेगी, कोई भी वर्क नहीं है। फिर उसके बाद आपको ऐसे वाला प्रिंट मिलेगा। साड़ी के नीचे की साइड पे आपको पूरी साड़ी पे ऐसे वाला बॉर्डर मिल जाएगा जो कि देखने में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। बहुत हैवी लुक वाला साड़ी ये होने वाला है। सो देख लेते हैं इसके साथ ब्लाउज पीस कैसा रिसीव होता है। सो इस साड़ी के साथ आपको इसी में अटैच ब्लाउज पीस मिलेगा एंड इसका फैब्रिक भी आपको सिल्क फैब्रिक मिलेगा, जैसा कि बॉर्डर पे जिस फैब्रिक का दिया गया था ना, बिल्कुल सेम उसी फैब्रिक से आपको ये वाला ब्लाउज पीस मिलेगा। ब्लाउज पीस पे आपको फ्रंट एंड बैक का डिज़ाइन बना करके मिलेगा ऑलरेडी। ये आई थिंक फ्रंट का एंड बैक के लिए आपको प्लेन सा कपड़ा मिलेगा एंड ये वाला आप स्लीव्स के लिए बनवा सकते हो। सो ओके ओके है, इसका भी मटेरियल बहुत सही लगने वाला है, बहुत हैवी लुक देने वाला है। जब आप ब्लाउज को स्टिच करवाओगे ना उसके बाद ये बहुत ज़्यादा हैवी लुक देने वाला है। सो अगर प्राइस की बात करूँ तो सर इसे मैंने 800 रुपीज़ में मंगवाया। सो 800 के अकॉर्डिंग ये वाली साड़ी बहुत ज़्यादा सही लगने वाली है। अगर आप किसी की वेडिंग फंक्शन अटेंड करना चाहते हो या फिर अगर आपकी भी शादी है या फिर थोड़ा बहुत कलेक्शन आप बनाना चाहते हो साड़ियों का, सो आप ये वाली साड़ी परचेज कर सकते हो। बहुत अच्छी क्वालिटी है, इसका पहनने के बाद इसका लुक बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। नेक्स्ट साड़ी होने वाली है ये येलो कलर की बहुत ही प्यारी सी बांधनी लुक वाली साड़ी। सबसे पहले ओपन करके दिखाती हूँ कैसा है इसका बॉर्डर एंड पल्लू वगैरह। सो स्टार्ट करते हैं साड़ी के पल्लू से। इसके पल्लू के बॉर्डर पे आपको पूरे पे गोटा पट्टी का वर्क मिल जाएगा। ये जो भी वर्क किया गया है ये गोटा पट्टी का लेस लगाया हुआ है इसमें तीनों साइड्स पे। तीनों साइड पे आपको सेम ऐसे ही वाला बॉर्डर मिल जाएगा एंड इसकी क्वालिटी भी ठीक ठाक लग रही है। बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं है लेकिन ओके ओके वाली क्वालिटी है, ये खराब नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा शाइन नहीं कर रहा है। कोई कोई गोटा पट्टी होता है ना कि बहुत ज़्यादा शाइन करता है देखने पर, बट ये उतना ज़्यादा शाइन नहीं कर रहा है। सो ये देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो बॉर्डर की लेंथ इसमें बहुत अच्छी खासी दी गई है, मतलब आप ईजिली आपके टमी तक तो ये वाला बॉर्डर आने वाला है। बॉर्डर की लेंथ बहुत अच्छी खासी दी गई है। फिर जहाँ तक आप साड़ी टक इन करते हो ना वहाँ पे आपको कोई भी लाइनिंग पाइपिंग वगैरह नहीं मिलेगी, प्लेन सी साड़ी मिलेगी। उसके बाद आपको ऐसे वाला बॉर्डर स्टार्ट हो जाएगा एंड ये वाला बॉर्डर आपको नीचे की साइड पर पूरी साड़ी पर मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं साड़ी की फैब्रिक की। ये भी आपको प्योर जॉर्जेट फैब्रिक की साड़ी मिल रही है एंड इसमें आपको पूरी साड़ी पर ना दो कलर की साड़ी मिलेगी, येलो एंड रेड कलर की। एंड साथ में इसमें आपको बांधनी प्रिंट भी मिल जाएगा एंड बीच बीच में आपको फॉयल प्रिंट का भी वर्क यहाँ पे मिल जाएगा गोल्डन कलर से। सो देखने में इसका लुक बहुत ज़्यादा प्यारा है एंड बहुत ज़्यादा हैवी लुक लगने वाला है। सो अगर आप अपनी शादी में पहनने के लिए भी अगर आप बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेट की साड़ी देखना चाहते हो सो आप डेफिनेटली इस वाली साड़ी पे जा सकते हो। बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है इसकी क्वालिटी एंड नीचे की साइड पर आपको पूरी साड़ी पर ऐसा वाला बॉर्डर मिल जाएगा। साड़ी की लेंथ बहुत अच्छी खासी है, 5-6-7-8 तक की लड़कियाँ तो ईजिली साड़ी को वेयर कर सकती है। साड़ी की लंबाई भी इसमें बहुत अच्छी खासी दी गई है। सो इसमें इस साड़ी की सब चीज़ बहुत अच्छी लगी है।
स्पेशली इसका बॉर्डर मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया, मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, बहुत ज़्यादा लंबा दिया गया इसमें बॉर्डर, सो ये मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो अब देख लेते हैं इसके साथ ब्लाउज पीस कैसा रिसीव होता है। सो ब्लाउज पीस आपको साड़ी के साथ ही अटैच मिल जाएगा एंड इसकी फैब्रिक आपको कॉटन सिल्क फैब्रिक में मिलेगी ब्लाउज पीस, एंड ये बिल्कुल प्लेन सी आपको ब्लाउज पीस के लिए कपड़ा मिलेगा, कोई भी वर्क नहीं है, कोई भी आई थिंक इसमें वर्क नहीं किया गया, एंड नीचे की साइड पर सेम वही वाला बॉर्डर इसमें अटैच किया गया स्लीव्स के लिए। सो वैसे भी इतनी हैवी साड़ी थी कि ब्लाउज पीस इसमें सिंपल सा ही अच्छा लगता, सो कुछ इस टाइप से आपको ब्लाउज पीस मिल रहा है। ब्लाउज पीस का लेंथ आई थिंक 1 मीटर तक का दिया गया है, सो ओके 1 मीटर ठीक ठाक सी लेंथ दी गई है। सो अगर इस साड़ी की प्राइस की बात की जाए तो इसके लिए मैंने 600 से 700 तक का ही पे किया है। मैं सबकी प्राइस आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, साथ में सबकी लिंक्स दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाकर के डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। एंड बाय द वे ये वाली साड़ी भी मैंने मीशो से ही मंगवाई थी, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था, अगर आपको अच्छी लग रही है तो मैं इसका भी लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाकर के परचेस कर सकते हो। बहुत ही प्यारी सी वाली साड़ी है, मतलब मैंने इसका ब्लाउज भी बनवा लिया है, इतनी ज्यादा मेरे को ये वाली साड़ी प्यारी लगी। बढ़ते हमारी अगली साड़ी की तरफ, एंड मैंने मंगवाई है ये सीक्वेंस वर्क वाली साड़ी, बहुत ही प्यारी लग रही है। सो सबसे पहले ओपन करके दिखाती हूँ कैसा है इसका फैब्रिक वगैरह। सो स्टार्ट करते हैं इसके पल्लू से। इसके पल्लू पे ना आपको बॉर्डर पे कुछ ऐसा सैटिन का फैब्रिक मिल जाएगा, बहुत ही शाइन करने वाला सैटिन फैब्रिक दिया गया है। इसमें कोई भी वर्क वगैरह कुछ भी नहीं किया गया, सिर्फ एक चौड़ा सा सैटिन फैब्रिक दिया गया है ऊपर की साइड पे, एंड पूरी साड़ी पे आपको सीक्वेंस का वर्क मिल जाएगा, मतलब ऑल ओवर साड़ी पे आपको सीक्वेंस एंड साथ साथ आपको थ्रेड का भी वर्क मिल जाएगा। थ्रेड से भी जो डिजाइन की जाती है ना, वैसे वाली वर्क मिल जाएगी पूरी साड़ी पे, पूरी पल्लू हो या फिर पूरी जहां पे साड़ी आप जहां पे प्लेट्स बनाते हो ना वहां तक भी आपको पूरी सेम ही साड़ी मिलेगी। बॉर्डर की लेंथ बहुत अच्छी खासी है इसमें भी, एंड जहाँ तक आप साड़ी टकिन करोगे ना वहाँ पे आपको कोई भी पाइपिंग लाइनिंग नहीं मिलेगी। साथ में थोड़ा सा ऊपर में गैप भी दिया गया ताकि पेट में जब आप टकिन करो ना तो वो चुभे ना, सो ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अदरवाइज़ जो सीक्वेंस वर्क वाली साड़ी होती है ना वो थोड़ी कहीं ना कहीं तो चुभती हैं, लेकिन इसमें बहुत अच्छा सा फैब्रिक दिया गया है ऊपर में। सो ये वाला ना आपको पैटर्न नीचे की साइड पर पूरी साड़ी पर मिल जाएगी, मतलब नीचे सैटिन फैब्रिक आपको पूरी साड़ी पर मिल जाएगी देखने में। सो साड़ी की फैब्रिक की बात करूँ तो ये भी जॉर्ज मटेरियल की ही साड़ी है, एंड इसके ऊपर आपको पूरे पे सीक्वेंस एंड थ्रेड का वर्क मिल जाएगा। सो देखने में ये वाली साड़ी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। साड़ी की लेंथ की बात करूँ तो साड़ी की लेंथ बहुत अच्छी खासी है, 5, 6, 7 तक की लड़कियां इसलिए साड़ी को कैरी कर सकती हो। साथ में अभी तो फेयरवेल भी आने वाली है, सब फेयरवेल के लिए भी अगर आप साड़ी ढूंढ रहे हो तो ये वाली साड़ी तो आपके लिए मस्ट बाई है, बहुत ज़्यादा प्यारी लगेगी, मतलब बहुत ज़्यादा गर्लिश लुक वाली साड़ी है। सो आप इस साड़ी को डेफिनेटली परचेज कर सकते हो, बहुत ही प्यारी लुक दे रही है इसकी। साड़ी की लंबाई भी बहुत अच्छी खासी है, मतलब इतना आपको 5, 5.5 मीटर तक का कपड़ा इस साड़ी के लिए मिल रहा है। सो अब देख लेते हैं इसके साथ ब्लाउज पीस कैसा रिसीव होता है। साड़ी में ही आपको इसका ब्लाउज पीस अटैच मिलेगा, एंड ये थोड़ा सा डार्क शेड का ब्लू है, मतलब ये थोड़ा सा लाइट ब्लू है एंड ये थोड़ा सा डार्क कलर का ब्लू इसमें दिया गया है। एंड प्लस इसके इसके ब्लाउज पीस में बहुत ज़्यादा शाइन है, सो दूर से देखने में जब आप इसको स्टिच करवाओगे ना, स्पेशली स्लीवलेस जब आप स्टिच करवाओगे बहुत ज़्यादा प्यारी लगेगी ये वाली ब्लाउज पीस। ये भी आपको चंदेरी सिल्क फैब्रिक की ब्लाउज पीस मिल रही है, ब्लाउज पीस का लेंथ इसमें बहुत अच्छा खासा दिया गया, आई थिंक 1.25 मीटर इसके लिए दिया गया है, सो इनफ होगा इसको स्टिच करवाने के लिए। थोड़ा सा फैब्रिक पतला है लेकिन ओके वाला है, मतलब ख़राब नहीं लगने वाला, ट्रांसपेरेंट नहीं लगने वाला ये वाला ब्लाउज पीस। सो मेरी तरफ से ये वाली साड़ी तो 110% आप ले सकते हो, बहुत ज़्यादा प्यारी है। बात की जाए साड़ी की प्राइस की तो इसे मैंने 600 से 700 के तक का ही परचेस किया था, सो इतने प्राइस रेंज की साड़ी है तो बहुत ज़्यादा सही लगने वाली है। फेयरवेल के लिए भी लेना चाहते हो तो उसके लिए भी ले सकते हो, किसी की वेडिंग भी अटेंड करना चाहते हो तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा प्यारी लगेगी। सो नेक्स्ट मैंने मंगवाई है ये बनारसी लुक वाली साड़ी। सो सबसे पहले ओपन करके दिखाती हूँ कैसा है इसका पैटर्न वगैरह, फिर इसकी बाकी की डिटेलिंग के बारे में भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं साड़ी के पल्लू से। इसके पल्लू के कॉर्नर्स पे आपको कुछ इस टाइप से फ्रिल्स मिल जाएगी, एंड ये नीचे तक आपको पूरे फ्रिल्स मिल जाएगी। सो फ्रिल की जो ये स्टिचिंग वगैरह ना ये बहुत नीट एंड क्लीन करके मिल गया। लास्ट टाइम जब मैंने ऐसी फ्रिल वाली साड़ी मंगवाई थी ना तो उसमें स्टिचिंग का थोड़ा सा इशू था, लेकिन ये बहुत ही नीट एंड क्लीन आया है। सो बढ़ते साड़ी में आगे की तरफ, इस पे आपको पूरे पे फॉयल प्रिंट मिल जाएगा गोल्डन कलर से। इसमें कोई भी आपको एम्ब्रॉयडरी पैच वर्क कुछ भी नहीं मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे फॉयल प्रिंट का वर्क मिल जाएगा। एंड ये 2 कलर की साड़ी आपको ऊपर की साइड पर ना बहुत ही लाइट लेमन येलो कलर से साड़ी मिलेगी, फिर जब आप नीचे बढ़ते जाओगे ना तो थोड़ा सा येलो का शेड थोड़ा सा डार्क होते जाएगा, एंड जब आप नीचे की साइड आओगे ना तो आपको पूरी साड़ी ब्लैक कलर से मिलेगी। एंड नीचे में आपको कुछ ऐसे वाला बॉर्डर मिल जाएगा बहुत ही ब्रॉड सा, ऊपर की साइड में इसमें कोई भी बॉर्डर नहीं है, जहाँ पे आप टकिन करते हो ना कोई भी बॉर्डर वगैरह नहीं दी गई है, एंड इसमें कोई भी बॉर्डर की टेंशन नहीं है, कहीं से भी आप टकिन कर सकते हो, कोई भी इशू छोटा बड़ा होने का इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। बात करते हैं साड़ी की फैब्रिक की, ये भी आपको प्योर जॉर्जेट फैब्रिक में साड़ी रिसीव होगी, बहुत ही सॉफ्ट सा जॉर्जेट है इसका भी, एंड ये साड़ी बहुत ही लाइट वेटेड साड़ी है, बहुत ही हल्की फुल्की सी साड़ी है। सो लेंथ की बात करूँ साड़ी की, लेंथ बहुत
बहुत अच्छी खासी है, 5-6-7 तक की लड़कियाँ इजिली साड़ी को वेयर कर सकती है। साड़ी की लंबाई भी बहुत अच्छी खासी दी गई है एंड पूरी साड़ी पे आपको सेम ऐसे ही वाला वर्क मिलेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं है, पूरी साड़ी सेम वर्क वाली आपको मिल जाएगी। सो देख लेते हैं इसके साथ ब्लाउज पीस कैसा रिसीव होता है। तो इस साड़ी के साथ आपको अलग से ब्लाउज पीस के लिए फैब्रिक मिल जाएगा एंड ये ब्रोकेट फैब्रिक की ब्लाउज पीस आपको मिल जाएगी। पूरे पे आपको बनारसी लुक वाला जो वर्क होता है ना, वैसे वाला वर्क मिल जाएगा एंड ये भी डार्क ब्राउन शेड है, आई थिंक ये वाला भी ब्लैक नहीं, आई थिंक मुझे दिख नहीं रहा है, ये डार्क ब्राउन बिल्कुल जो कॉफी कलर का शेड होता है ना, वैसे कलर की साड़ी है एंड ब्लाउज पीस भी वैसे ही कलर का इसमें रिसीव हो रहा है। इसमें भी आपको गोल्डन कलर से वर्क मिल जाएगा एंड इसकी लेंथ बहुत अच्छी खासी दी गई है, मतलब आई थिंक 1.25 मीटर तो आराम से इस फैब्रिक के लिए आपको मिल जाएगा। सो आप इजिली इस साड़ी की ब्लाउज पीस को इजिली बनवा सकते हो। सो बात की जाए अगर इसकी प्राइस की, तो इसे मैंने 550 रुपीज़ तक में ही मंगवाया है। सो इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग आपको हल्की फुल्की साड़ी चाहिए या फिर आप फेयरवेल में वेयर करना चाहते हो, सो उसके लिए भी ये वाली साड़ी बहुत ज़्यादा सही लगने वाली है। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप आप लोगों को ये वाली साड़ी कलेक्शन देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है ना, तो मेरी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो देखना है या फिर किस टाइप की साड़ी कलेक्शन देखनी है आप मुझे कॉमेंट में ये भी बता सकते हो। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड अगर आपने मेरे चैनल को अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।